नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और बातें कही जाए। उत्तर प्रदेश में, और मेरे फोन पर है, जो पत्रकार बंधु देखना चाहते हो मैं उनको जरूर दिखाऊंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार से जो आदेश आया इंटरनेट को बैन करने का, वो 1885 की टेलीग्राफ एक्ट के अंतर्गत आया है। तब ना SMS था, ना WhatsApp था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था। 150 साल पुरानी एक्ट से आज आप हमारा इंटरनेट और हमारी बोलने की और एक्सप्रेशन को कर्ब कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप पर लानत है। आप उस कानून का सहारा ले रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत करने के वक्त लिया था। तो सवाल आपसे है कि आपको शर्म नहीं आती है करते हुए? और सवाल शायद आपसे ये भी है, आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप कभी आजादी की लड़ाई में शामिल ही नहीं थे, तो आपको पता नहीं है कि ऐसा करना गलत है, नैतिकता नहीं अलाउ करती ऐसा करना। जिस तरह से लोगों को प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया है, जिस तरह की मौतें बिजनौर में हुई है, जिस तरह के वीडियो पुलिस बर्बरता पे आ रहे, CCTV कैमरा तोड़े जा रहे हैं, ज्यादातर जो यहाँ पे लूट खसोट हो रही है उसकी जो वीडियो पुलिस वाले बन रहे हैं, उसमें पुलिस तोड़फोड़ कर रही है रात को और सुबह। इस पर क्या जांच होगी? इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? आप लोगों को डिटेन कर लेते हैं और उसके बाद उन पर कानून की सहायता तक नहीं पहुंचने देते हैं। ये कौन सा प्रशासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में? और ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस बर्बरता को और जिस दिल दहलाने वाली घटनाओं को देखा जा रहा है वीडियो पर, वो हमारे समाज पर, हमारे प्रदेश पर कलंक है और ऐसा होना पूर्णतः गलत है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही बात कहेगी कि पुलिस ने लगातार उत्तर प्रदेश में झूठ बोला और काफी जगह और झूठ बोला, उन्हें कहा कोई गोली नहीं चली और फिर SP ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने माना कि हाँ बिजनौर में बॉब सुलेमान की गोली चल गई है। ये विभाजनकारी कानून है, हम इस कानून को पास नहीं होने देंगे और कहीं कानून को लागू नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीति से परे मामला है, ये राजनीति से परे मामला। और इसीलिए देख के खुशी होती है कि देश के युवा और छात्र इस पूरे मूवमेंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके सवालों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। यकीन करेंगे आप, प्रधानमंत्री की जो कह रहे हैं हम देश में नहीं ला रहे हैं, या गृह मंत्री की और बाकी सब मंत्री की जिन्होंने संसद से लेकर बाहर तक बार बार कहा है देश में लागू होगी राशि, आपके पास वीडियो पे वीडियो नहीं, आपके नहीं, नहीं, आते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं जो प्रधानमंत्री की बात कोई सही है। आप एक बात बताइए, आप कैसे इन पर यकीन करिएगा? आपको तो आधार के वक्त भी कहा गया था वॉलंटरी होगा, इन्होंने आधार रातों रात कंपल्सरी कर दिया था, हमने मैंडेटरी कभी नहीं किया था, हमने मैंडेटरी कभी नहीं किया था। यही डिफरेंस है हमने और इनके, हमने आधार को, और ये भी अब आप पूछ रहे तो मैं आपको बता देती हूँ, NPR जो बात है वो हमने शुरू इसलिए करी थी क्योंकि वाजपेयी सरकार ने सबको एक आइडेंटिटी कार्ड देने की बात करी थी। 31 लाख लोगों को 12 प्रदेशों में और एक यूनियन टेरिटरी में वाजपेयी सरकार ने फैसला किया था कि आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे। एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2006 में, सेक्रेटरीज का एक पैनल था, उसने कहा ऐसा करना मुश्किल हो रहा है, 4 साल बाद भी हम सिर्फ 12 लाख लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दे पाए। तब हमारी सरकार की ईगो ने निर्णय लिया कि हम आइडेंटिटी कार्ड नहीं देंगे, हम यूजुअल रेजिडेंट, जो UN का एक टर्म है, ये UN निर्धारित टर्म है यूजुअल रेजिडेंट, इसका मतलब होता है सामान्य निवासी, सामान्य नागरिक ना, कि आप जरूर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। विफलताएं थी उसको उजागर करने के बजाय ये जो कानून है ये उस पर पर्दा डालने का काम कर रहा है, और यही अपनी विफलताओं को छुपाने का, पर्दाफाश करने के लिए हम इनसे बात करने को तैयार हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को चैलेंज भी किया है कि कोई एक क्लॉज उसमें दिखा दे जिसमें नागरिकता छीनने की कोई बात नहीं। मैंने 5 क्लॉज की यहाँ पर बात करी है, और अमित शाह राहुल गांधी से तो क्या बहस करेंगे, एक छोटे से कार्यकर्ता के कांग्रेस से बहस कर ले। आप CA ला रहे हैं, आप CA ला रहे हैं शरणागत देने के लिए लोगों को, जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जिनका होता है, आप CA जब ला रहे हैं तो क्यों आप उसको सिर्फ 3 कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? क्यों आपने सिर्फ 6 रिलीजन की बात करी है? अगर भूटान का क्रिश्चियन है तो क्या आप उसको शरणागत नहीं करेंगे? अगर श्रीलंका का हिंदू है क्या आप उसको शरणागत नहीं करेंगे? आप क्यों 3 देशों की बात करते हैं, और क्यों आप सिर्फ 6 धर्मों की बात करते हैं जिसमें से कि मुसलमान गायब है? आप आज कहते हैं NRC नहीं होगी, और आप ही ने बार बार संसद तक में कहा है पूरे देश में NRC लागू करी जाएगी। आप NRC करके हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, जो नहीं आएगा उसको डीलिस्ट में डालेंगे, उसको संदिग्ध लिस्ट में डालेंगे और हमारी नागरिकता छीनेंगे। और दूसरा सवाल तो अमित शाह से मेरा सीधा सवाल है,
जिस समय अर्थव्यवस्था चौपट है, जिस समय हाहाकार मचा हुआ है देश में, जिस समय बेरोजगारी 45 वर्ष की अपनी चरम सीमा पर है, आप बाहर के देशों को क्या शरणागत दे रहे हैं? आप हमारे बच्चों के बारे में क्या कर रहे हैं? आप कैसे उनको नौकरी दीजिएगा? आप कैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था करिएगा? आप कैसे शिक्षा की व्यवस्था करिएगा? आप अपनी अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं और उस पर पर्दा डालने के लिए आप बेकार की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी? हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे, हर दम तक विरोध करेंगे, लेकिन हाँ, हम शांतिपूर्वक विरोध करने में यकीन करते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सदस्य होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते, मैं उन सब लोगों से जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और एक बात याद रखिएगा, ये प्रदर्शन या विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, आम जनता सड़कों पर उतर आई है। और इनको लगता था कि आम जनता कहाँ से उतरेगी, और वो जनता ना किसी मजहब में यकीन की बात करती है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो जनता वो है जो भारत में निष्ठा रखती है, जो हमारे संविधान में विश्वास रखती है, और उसको बचाने के लिए सड़कों पर उतरी है। हम सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हाँ, शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा की कहीं भी जगह नहीं है। और इसीलिए मैं केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने एक सवाल उठाती हूँ कि कैसे, किस बर्बरतापूर्वक से पुलिस ने जो अपना आचरण किया है, उसकी क्या जाँच होगी? जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की दिल दहलाने की वाक्य सामने आ रहे हैं पुलिस बर्बरता की, उसकी क्या जाँच करी जाएगी? क्या उसको संज्ञान में लिया गया है? क्या आप लोग हिंसा करने वालों के साथ हैं क्या? मैंने आपसे पहले कहा, मैं हिंसा करने का बिल्कुल विरोध करती हूँ। ये हो, चाहे NRC हो, चाहे NPR हो, जिस तरह की बर्बरता हमारे छात्रों पर, हमारे युवाओं पर, इस जो इनका विरोध कर रहे थे, करी गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और आपके माध्यम से लोगों को बताना ज़रूरी है कि असल में समस्या क्या है, हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, हम क्यों इसके विरोध में खड़े हैं। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये सारी चीज़ें विभाजन के नाम पे करी जा रही है, ये सारी चीज़ें धर्म के नाम पे करी जा रही है, ये सारी चीज़ें इसलिए करी जा रही हैं कि अपनी विफलताओं पर, अपनी नाकामियों पर, आर्थिक मंदी के जिस दौर से देश गुजर रहा है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, उन पे पर्दा डाला जा सके। पर मोदी जी का एकदम साफ कहना है कि CA को लेकर के, इसमें हम किसी देशवासियों का कोई नुकसान नहीं है, वो आराम से देश में रह सकते हैं, तो फिर इतना शोर शराबा क्यों? अगर मोदी जी का ये कहना है तो मेरा उनसे उल्टा एक सवाल पूछना है। मोदी जी, आपने अच्छा काम किया, आप शरणार्थियों को ला रहे हैं, क्यों आपने 3 ही देश चुने? क्यों आपने 6 ही रिलीजन चुने? क्यों आपने 6 ही धर्म के लोगों को इसमें आने की स्वीकृति दी? अगर आपका दिल इतना बड़ा था तो आप श्रीलंका के हिंदुओं को आने की आज़ादी क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपका दिल इतना बड़ा था तो आप भूटान के क्रिश्चियंस को आने की आज़ादी क्यों नहीं दे रहे हैं? वो आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप विभाजन का काम कर रहे हैं। और CA का इसलिए हम विरोध करते हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं होगी, आप उसी के साथ साथ NRC की भी बात कर रहे थे। आपके सिर्फ ये कह देने से कि NRC के बारे में चर्चा नहीं हुई, हम इस झूठ पर यकीन नहीं करेंगे। आपके गृह मंत्री ने, आपके मंत्रियों ने संसद में और बाहर तमामों बार कहा है कि पूरे देश में NRC हो, और NRC और CA का एक साथ होने का मतलब है कि आप लोगों को निकालेंगे देश से, डिटेंशन कैंप्स में डालेंगे, आप एक संदिग्ध लिस्ट में उनका नाम डालेंगे, उनके वोट को ख़त्म करेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि आप क्यों इस देश के साथ ऐसा कर रहे हैं? हमारा और जिन लोगों का इस देश की अखंडता में यकीन है, वो आज सड़क पे उतरे हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका गला मत कीजिए। आपका क्या अगला स्टैंड क्या रहेगा? आप किस हिसाब से अपना जो है प्रदर्शन करेंगे? कांग्रेस आज भी सड़कों पर है, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने में यकीन करते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं, प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर आपके बगल वाला कोई हिंसापूर्वक कार्य कर रहा है, उसको मना करिए। अहिंसा से गांधी ने आज़ादी दिला दी थी, हम अहिंसापूर्वक और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जीत सत्य की और इस देश के लोगों की और संविधान की होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ये भूल गई है कि देश संविधान से चलता है, आपके चुनावी घोषणा पत्र से नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुप्रिया श्रीनेत है, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। सरकार का पर्दाफाश करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे कानून जो लाने का प्रयास किया गया है, वो दो कारणों से किया गया है। पहला कारण है विभाजन करके रूल करना, गवर्न करना, और दूसरा और प्रमुख कारण है अपनी सब विफलताओं पर, अपनी नाकामियों पर लोगों से ध्यान हटाना, ध्यान बांटना।
चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, चाहे वो उपभोग हो, चाहे वो निवेश हो, जिस तरह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है और हाहाकार मचा हुआ है, उसको छुपाने का ये काम कर रही है ये सारी बातें। और कहीं ना कहीं इस पर विभाजन किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आक्रोश है संविधान के साथ गलत होते हुए देखकर उसी को उठाने का प्रयास। सरकार का कहना है कि जो हम अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, जैसे कि हम अपना लेके आ रहे हैं अमेंडमेंट, ये बिल लेके आ रहे हैं, जो शरणार्थी हैं उनको देने के लिए, जो 130 करोड़ जनता है उसका इसका कोई लेना देना, उससे क्या शरणार्थियों को शरण देना अच्छी बात है, लेकिन शरणार्थी तो और भी बहुत सारे देशों में हैं। शरणार्थी श्रीलंका में भी है। क्या आप श्रीलंका के हिंदुओं को यहाँ नहीं आने दीजिएगा? भूटान के क्रिश्चियंस को आप नहीं आने दीजिएगा? वो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है। आपने क्यों सिर्फ 6 धर्मों को और सिर्फ 3 ही देशों को इसमें रखा? और दूसरी बात ये भी है, आप उन लोगों को लाके क्या करिएगा? आप उनको नौकरी दीजिएगा, उनको घर दीजिएगा, उनको रहने की जगह दीजिएगा, क्या करिएगा? क्योंकि आपके पास तो अपने खुद के बच्चों को ना देने के लिए नौकरी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो पहले अपनी नाकामियों को यहाँ पे खत्म कर दीजिए। और जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।